भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है इंडी गठबंधन का एक प्रदर्शन। जी हां, 30 जुलाई को जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन ये बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में 30 जुलाई को जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए INDIA गठबंधन के सभी घटक दल सहमति जता चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने इसके बारे में बताया कि पार्टी का मामला नहीं, एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि ये मामला देश की व्यवस्था का मामला। दरअसल वो चर्चा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो जेल में डाला गया। हालांकि उन्हें एक मामले में जमानत मिल गई, लेकिन अभी कुछ मामलों में अभी वो जेल में ही रहेंगे, CBI की जांच पड़ताल का हिस्सा बनेंगे। और इस विषय को लेकर उन्होंने कहा कि अपना राजनीतिक दल बनाने की चेष्टा भला कोई क्यों करेगा जब इतने बड़े बड़े नेता और नेक्सस उन लोगों को जेल में डाल दें, उनके खिलाफ लड़ने की बात कौन करेगा। वो बात अलग है कि जिन दलों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने लड़ाई शुरू की, उन्हें हराया, उनसे सत्ता छीनी, अब उन्हीं के साथ मिलकर वो चुनाव भी लड़े और हारे भी। उन्होंने ये कहा कि आज प्रश्न केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि देश की व्यवस्था का है, तानाशाह की तानाशाही को रोकने के लिए है। इसलिए INDIA गठबंधन के सभी घटक दलों ने इस पर विचार किया और आगे इससे जुड़ी हुई कुछ और दिलचस्प बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि INDIA गठबंधन के घटक दल आखिर कौन कौन से हैं, इस पर हम आपको जानकारी देते हैं। इसमें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी खुद है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, M.K. स्टालिन की DMK, लालू प्रसाद यादव की JDU, उद्धव ठाकरे की UBT यानी SS के नाम से अब उसे अलग किया गया और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की PDP जैसी पार्टियां इसका हिस्सा है। खुद अरविंद केजरीवाल भी इसका लंबे समय तक हिस्सा रहे, अब वो इसका हिस्सा हैं या नहीं है ये स्पष्ट करना बाकी है, क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरह से बातें सामने आई थी कि कांग्रेस के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में पंजाब में इस बारे में जिक्र भी हुआ था। इसके अलावा हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, शरद पवार की NCP, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और सीताराम येचुरी की CPIM, डी राजा की CPI जैसी कुल 28 पार्टियां मिलकर इसकी शुरुआत करने के लिए साथ आई थी। अब कितनी रह गई हैं, कितनी जा रही हैं, 30 तारीख को यह भी स्पष्ट हो ही जाएगा। और आपको बता दें कि इस बीच जो ये पूरा द्वंद चला, इस पर चर्चा हुई, संदीप पाठक ने दावा तो कर दिया कि वो INDIA गठबंधन के घटक दलों को साथ लेकर आ रहे हैं, केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन क्या ये सभी एकत्रित हो पाएंगे। दरअसल संदीप पाठक बोल रहे हैं कि आम सहमति बनी है। बहरहाल उनका कहना यह है कि पूरी व्यवस्था को किसी एक व्यक्ति की मर्जी पर छोड़कर देश को बर्बाद नहीं किया जा सकता। अब संदीप पाठक की इन बातों के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर रिएक्शंस आए, लेकिन हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 तारीख को जो प्रदर्शन होना है, उस प्रदर्शन से पहले दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन की तरफ से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए कितनी आतुर है, इस बात का अंदाजा तो आपको इसी बात से हो गया होगा कि वो आई तो थी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन बैठक से तिलमिलाकर बाहर निकली और सीधा जा पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर। क्योंकि चर्चा यह है कि कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में शायद यहां पर ना आया, वैसे में बड़ा नेता भला कौन रह गया, ममता बनर्जी। और यहां अब ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाना शुरू किया कि उस मीटिंग में, नीति आयोग की मीटिंग में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, इसलिए वो बंगाल का अपमान और मुख्यमंत्री का अपमान सहकर बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो मीटिंग में बोलना चाहती थी लेकिन उन्हें केवल 5 ही मिनट बोलने की अनुमति दी गई। हालांकि इस बारे में खुद कांग्रेस पार्टी के ही नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसके माइक को बंद करके बोलने न दिया जाए, नीति आयोग की बैठक में ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल अधीर रंजन चौधरी की ममता बनर्जी के साथ अदावत बंगाल में पुरानी है, वो बात अलग है कि वो INDIA गठबंधन का हिस्सा है। अब यही INDIA गठबंधन की परिस्थिति को आप समझिए कि कौन कहां किसके साथ है और क्या किसके साथ हो रहा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, और उन्हीं की घटक दल के सहयोगी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। ममता बनर्जी तानाशाही करती हैं, बंगाल में हिंसक तरीके से सरकार चलाती हैं, और ये सारी बातें सामने आने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि 30 तारीख को वो प्रदर्शन कैसा होगा, जब इस पार्टी, इस घटक दल के, INDIA गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ आने का दावा संदीप पाठक कर रहे हैं, और उन्हीं के घटक दलों के नेता आपस में किस तरह का द्वंद कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी का यह कहना कि वो विपक्ष में केवल एक ही नेता होने के नाते इस नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई, सिर्फ एकमात्र वो ऐसी नेता थी जो INDIA गठबंधन का हिस्सा है, और उन्हें भी बोलने नहीं दिया गया। इससे आप देखिए कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बात उन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश भी की। हालांकि इन सब विषयों को देखते हुए उन्होंने नीति आयोग को ही बंद किए जाने की भी मांग की थी। उनका ये कहना था कि नीति आयोग बंद हो और जो योजना आयोग था उसे बहाल किया जाना चाहिए। हालांकि ये संभव है कि कांग्रेस इस प्रदर्शन में शामिल हो या ना हो, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ा मौका है। अब आपको ये बता देते हैं कि शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जमानत डायबिटीज की बीमारी का आधार बनाकर लेने की कोशिश में है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हर दिन ये कहती है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से भी कम जा चुका है, और वो भी कई बार। अपने शुगर लेवल को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जेल में कभी दवा नहीं लेते तो कभी इंसुलिन का इंजेक्शन मना कर देते हैं, भोजन की डाइट चार्ट के मुताबिक डाइट भी नहीं लेते ताकि डायबिटीज को जमानत का मेडिकल आधार बनाया जा सके। और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के INDIA गठबंधन की रैली भी अब होने ही जा रही है, और इसके सबके बीच बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक द्वारा अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कैदी कहना निंदनीय है। केजरीवाल को शराब घोटाला करने के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्हें राजनीतिक कैदी बता रही है और स्वतंत्रता सेनानियों की साथ उनकी तुलना कर रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की इस हरकत को उन स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक बंदियों का अपमान बताया जिन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा जेल में उन्हें बंद किया गया था। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य राजनीतिक बंदियों से करना उनके बलिदान और सेवा का अपमान है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी दैनिक राजनीतिक नाटकबाजी को बंद कर देना चाहिए और डायबिटीज को जमानत के लिए चिकित्सकीय आधार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने डायबिटीज को लेकर गंभीर बीमारी इसे जरूर बताया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि इसे जमानत की अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जा सकता है।